हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आज पावर शेयरिंग लेसन वन पॉलिटिकल साइंस 10 क्लास एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वेल, व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग दैट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर अमंग पीपल आर नोन एज पावर शेयरिंग। As power is in one hand, then it is dangerous for individual and for the country. So power sharing is essential and must. We noted last year, here an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and next chapter, we carry this idea of power sharing. तो पावर शेयरिंग जैसे कि इन पार्लियामेंट हमारे संसद में है, एक्सिक्यूटिव है, जुडिशरी है एंड लेजिस्लेटिव है, तो इस तरह से डिवीजन हुआ है। उसी तरह से पावर शेयरिंग जो है वो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सबों में डिवाइड है। तो एज ए नेशनल लेवल ये हमारे राष्ट्र के लेवल तक है, और इंटरनेशनल लेवल, इफ़ यू लुक एट इंटरनेशनल लेवल, then it is also got in on international level. So in the chapter what we look that here given instances of two countries, Belgium and Sri Lanka. Belgium is a country smaller than Haryana. It has border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Okay, तो ये बेल्जियम एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा कंट्री है जिसकी आबादी जो है वो हरियाणा से भी काफ़ी कम है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की आधे से भी इसकी आबादी कम है। यहाँ का जो रेशियल कंपोजिशन है, जिसमें उसकी टोटल आबादी में हाउ मेनी कास्ट डिपेंड, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language, Dutchian language they use, 59%. Another 40% people live in the Wallonia region. Wallonia एक क्षेत्र है, उस पर जो है अधिकांश रीजन के लोग रहते हैं। Remaining 1% of the Belgian speak German. तो 1% जो है वो German use करते हैं language. In the capital city, Brussels. Brussels जो capital city है वहाँ पर 80% people स्पीक फ्रेंच, तो उनके द्वारा 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है एंड 20% आर डच स्पीकर एज वी आर लुकिंग द कंडीशन नाउ। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो माइनर लैंग्वेज स्पीकर हैं वो रिच हैं एंड पावरफुल पर्सनैलिटी। दिस वॉज रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जिनको डच स्पीकर जो है, जो डच बोलने वाले हैं, उनको अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। दे गॉट एनफ रिसोर्सेज एंड एजुकेशन मच लेटर। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। तो यह जो है वो डच बोलने वाले एंड जो फ्रेंच टोन के हैं उनके बीच एक टकराव का माध्यम है। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, द सेम कंडीशन इन ब्रुसेल्स। नाउ ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। अब एक विशेष प्रॉब्लम क्या है? डच स्पीकिंग पीपल कंसिस्टेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री। तो डच स्पीकर जो हैं उनकी संख्या अधिक है, बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, बट वो कैपिटल में माइनर हैं, इसलिए वो मेजर होते हुए भी दे हैव नो देयर टोटल राइट्स। नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, लंका, एन आइलैंड नेशन। तो लंका की सिचुएशन क्या है? एज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। तो यहाँ की आबादी जो है वो हरियाणा की आबादी की डबल है। लाइक वन नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। यर पॉपुलेशन इज वेरी डाइवर्स, द मेजर पॉपुलेशन, यहाँ पर सबसे अधिक आबादी सिंगला जो है जाति उसकी पाई जाती है, जो बुद्धिस्ट हैं। आफ्टर दैट तमिल स्पीकर, दे दियर कंडीशंस आर 80% तमिल। अमंग तमिल्स देर आर टू सब ग्रुप। तो तमिल में आपके जो हैं वो श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल, जो इंडिया से जाके लंका में शिफ्ट हुए हैं वो इंडियन तमिल हो गया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तो हमने बताया लंका के तमिल हो गए और एक इंडियन तमिल हो गए।
30% श्रीलंकन तमिल उसमें सिचुएटेड हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, लंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड कास्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट. वेल मोस्ट सिंगला स्पीकिंग, सिंगला बोलने वाले जितने भी हैं वो बुद्धिस्ट हैं. एंड तमिल दे आर हिंदू एंड मुस्लिम टू. तो इनमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन की भी आबादी है. वो आर बोथ तमिल एंड सिंगला. जस्ट इमेजिन हु कुड हैपन इन सिचुएशन. तो इन दिस कंडीशन वी लुक दैट सिंगला आर इन मेजर कम्युनिटी, सो सिंगला मस्ट बी इन द गवर्नमेंट. बट दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मेजोरिटोरियन गवर्नमेंट. तो ये जो सिचुएशन है इसमें एवरी पर्सन हैज गॉट देयर राइट, सभी को अपना राइट मिलना होता है. तो अगर ऐसा नहीं है तो दिस इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये एक राजनीतिक समस्या हुई. नाउ वेल स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.